अगर काश उस दिन मैंने फोन नहीं रखा होता। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं। ये दरवाजा कैसे खुल गया? मैं सच बोल रहा है। पुणे की रहने वाली अंजलि ने एक हादसे में अपने पति को खो दिया था, लेकिन इस हादसे के बाद उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। ऐसी घटनाएं जो किसी के भी दिल और दिमाग को दहशत से भर दें, ऐसी चीजें जो खौफ पैदा कर दें। कभी दरवाजे का खुद खुल जाना, तो कभी फोन पर सहमा देने वाली सासों की आहट। अंजलि के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि यह उसका वहम है या फिर कोई हकीकत में उसके साथ इस तरह का खौफनाक खेल खेल रहा था। मामला जो भी है, सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर अंजलि के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था? और अगर कोई ऐसा कर भी रहा था तो कौन था वो? और अंजलि को खौफ ज्यादा करने के पीछे उसका मकसद क्या था? मेम साहब, चलिए, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए। मन नहीं है मेम साहब। इस हादसे को 2 महीने हो चुके हैं। सांप को आना होता तो अब तक आ चुके होते। लोहे की गाड़ी का एक पुर्जा नहीं मिला। फिर वो तो एक इंसान है। मैं तो कह रही हूँ, ये सब भूल के आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। आपको अपने साथ साथ रूही बेबी का भी तो ख्याल रखना है। रूही कहाँ है? आप चलिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। बेचारी 2 महीने से इंतजार में बैठी है कि अगर साहब एक्सीडेंट से बच गए होंगे तो घर आ जाएंगे, लेकिन जिसको आना होता है तो वो आ जाता है ना। तो बच्ची और ये तो इतने बड़े घर में अकेले रहेंगे? मैडम का तो कोई मायके में भी नहीं है। अरे, साहब के ससुराल में तो कोई होंगे। मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने साहब के घर से कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। उनका भी कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब समझ रही है? अगर हम लोग समझदारी से खेल खेले तो ये पूरा घर हमारा होगा। इस घर के मालिक मिस्टर प्रदीप और मिसेस शोभा यादव। हाँ, रूही बेबी। अरे रूही बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा कब से खाने पे इंतजार कर रही है। चलिए अंदर चल के खाना खाते हैं। हाँ चलिए। नहीं खाना। खा लो बेटा। नहीं खाना है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आपको पता है, एक नन्ही परी ना बिल्कुल आपके जैसे खाना नहीं खाती थी। फिर राजा बहुत गुस्सा होते थे और वो अपने सोल्जर्स से कहते थे, मुझे नहीं सुनना कोई कहानी,
आप सिर्फ ये बताओ कि पापा कब आएंगे। बेटा पापा बहुत दूर गए हैं अपने प्यारी सी बेटी के लिए एक बहुत प्रिटी डॉल लाने। इतनी प्रिटी जैसे किसी के पास ना हो। मुझे नहीं चाहिए कोई डॉल, उनको बोलो वापस आ जाए, मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटा। मम्मी। बेटा प्लीज जिद नहीं करते, चलो खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कौन है? लाइट तो मैंने ऑफ की थी। और ये शावर भी मैंने बंद किया था। मेम साहब, आप यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रही हैं? इतनी रात को मुझे नीचे आना पड़ा दरवाजा खोलने के लिए? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इतनी रात में दरवाजे के पास क्या कर रही हैं? शोभा, तुम्हें
डोरबेल की आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं तो, मैंने किसी डोरबेल की आवाज नहीं सुनी। मैं तो स्वेटर बुन रही थी और मेरी आंख लग गई, तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ पे चली आई। तो तुम्हें डोरबेल की कोई आवाज नहीं आई? जब डोरबेल बजी नहीं तो मैं आवाज कहाँ से सुनती मैम साहब? प्रदीप कहाँ है? वो तो अपने चाचा के घर गया है, कल आएगा। शायद नींद में। अब तुम दरवाजा बंद कर देना। जी। छह साल, वरन तुम्हें 6 साल लगे घर वापस लौटाने में। इस बीच यहाँ क्या क्या नहीं हुआ तुम्हें पता भी है? भाभी, वो लंदन में ऐसा कुछ हुआ कि अपने भाई के मौत के बाद भी तुम्हें 2 महीने लग गए आने में। सॉरी भाभी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला, मेरा नंबर भी चेंज हो गया था। भैया के दोस्त से इंटरनेट पे बात हुई तो पता चला कि यहाँ। पता चलने के लिए लोगों के टच में रहना बहुत जरूरी होता है वरुण। जब तुम्हारी और बाबूजी के बीच टकरार हुई तो मानो तुमने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। मैं जानता हूँ भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पांच साल पहले बाबूजी का देहांत हो गया और फिर वेद। 6 साल में बहुत कुछ बदल गया है वेद। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस को भैया की बॉडी कैसे नहीं मिली। अंजलि, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करूँगा। अच्छा ठीक है, ऑफिस पहुँचने के बाद टिकट्स के बारे में मत भूलना। अंजलि, पता नहीं कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ चक्कर सा आ रहा है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। वेद, मुझे लगता है तुम्हारा शुगर लेवल ड्रॉप हो गया है। जल्दी से घर आ जाओ, गाड़ी वहीं पार्क करना और टैक्सी लेकर आना। वेद, तुम ठीक तो हो? प्लीज बात करो। हेलो, पुलिस ने बॉडी ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी के साथ पूरी बॉडी जल चुकी थी। आखिरी बार उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। अभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ, पापा के लिए नहीं। तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ, तुम जाके रोहित को लेकर आओ। जी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, पैसे का इंतजाम होते ही मैं आपको फोन करता हूँ। जी। भाभी, क्या हुआ? चाय तो है। चाय? ये तुम्हें चाय नजर आ रही है? क्यों परेशान हो रही है? चलिए आइए मेरे साथ, आप आइए। चलिए। Thank you.
अब संभालिए अपने आप। आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती। नहीं वरुण, मैंने अपनी आंखों से वहां खून देखा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें खून दिखा क्यों नहीं। क्या वो मिल साहब को? इसी ने मुझे चाय दी थी। वो ठीक है, रूही कहाँ? वो नीचे है। जाके संभालो। जी। भाभी, आप आराम कीजिए। अंजलि के साथ जिस तरह की घटनाएं घट रही थी, उन्हें साधारण तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उसका घर डर और दहशत के आशियाने में तब्दील होने लगा था। एक के बाद एक उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका ताल्लुक इंसानी हदों से बाहर था। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्या यह किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा था? किसी की नजर उसकी जायदाद पर थी? द्वंद्व और डर के जिस दौर से अंजलि गुजर रही थी, उसमें ऐसे सवालों का उठना कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि हर कदम पर एक नई हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। अरे ये क्या, ये स्त्री ऑन करके चली गई? इतनी लापरवाही की हद हो गई। शोभा जी, ये क्या है, लापरवाही की हद हो गई। लेकिन हुआ क्या है? तुम स्त्री ऑन करके पूरे घर में घूम रही हो, धुआं निकल रहा है इसमें से। लेकिन मेम साहब, इसमें से धुआं कहाँ निकल रहा है? जब वो चालू ही नहीं है तो धुआं कहाँ से निकलेगा? क्या बकवास कर रही हो? मैंने अभी देखा इसमें से धुआं निकल रहा था। मेम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आई? क्या हुआ मैम साहब? इतनी गर्म स्त्री को बंद बोल रही है। मैम साहब, स्विच तो ऑन ही नहीं है, तो स्त्री चलेगी कैसे? बंद है ये स्त्री। अगर ये स्त्री बंद है तो मेरा हाथ जला कैसे? ये देखो, जलने का निशान। एक लापरवाही को छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ? शोभा और प्रदीप के खिलाफ अंजलि का शक उस दिन से बढ़ता ही जा रहा था। यूं तो वो बरसों के वफादार नौकर थे, लेकिन बेईमानी का ख्याल उपजने में कितना वक्त लगता है? क्या ये दो नौकर अपनी वफादारी की मर्यादा लांघकर अंजलि के साथ कोई साजिश कर रहे थे, या कोई और था जो कि शोभा और प्रदीप के कंधे पर से बंदूक चला रहा था? लेकिन अंजलि की शक की सुई इन दोनों पर जा रुकी थी और उनके होते हुए वो चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। गुड बॉय, गुड गुड गर्ल। जल्दी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को दूध पिलाने की। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, सब जानती हो तुम लोगों के इरादों को। अकेली औरत को देखकर अपना हिसाब करो और चलते बनो यहाँ से। मेम साहब, हुआ क्या है? हमसे गलती क्या हुई? गलती तो मुझसे हुई है। सब जानती हो तुम लोगों के इरादों को। क्यों, दरवाजे की घंटी सिर्फ मुझे सुनाई देती है, तुम लोगों को नहीं? स्त्री की गर्माहट सिर्फ मुझे को लगती है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं सब समझती हूँ तुम दोनों के इरादों को। मेम साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी हुई है? हाँ, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मेम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ भाभी? वरुण, मैं इन दोनों को बहुत टाइम से देख रही हूँ, इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। मेम साहब, मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों को मैं एक पल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। शोभा और प्रदीप पर अंजलि का शक इस कदर गहरा हो चुका था कि अब वो उन्हें एक पल के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
शायद अंजलि को अपने पति की मौत का गहरा सदमा लगा था। कई बार ऐसे सदमों से उभरने में इंसान को काफी वक्त लग जाता है, उनके दिमागी संतुलन पर भी असर पड़ता है। तो क्या अंजलि के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था कि ये सब घटनाएं उसके दिमाग में ही चल रही थी? उससे भी बड़ा सवाल ये था कि शोभा और प्रदीप को घर से बेदखल करने के बाद भी क्या उसकी परेशानियां खत्म होने वाली थी? बस आप मुझे 2 हफ्ते और दे दीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाए। ठीक, तुम वापस लंदन कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं अपना हिस्सा लेकर वापस लंदन चला जाता हूँ। भाभी, अब इस घर में सिर्फ आप और रूही है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना ये घर हम बेच दें और मैं आपको अच्छा सा 2 BHK दिला देता हूँ, और कुछ पैसे हम रूही के फिक्स डिपॉजिट में भी रख देते, और मैं अपना हिस्सा लेकर वापस लंदन चला जाता हूँ। ओह, तो 6 साल के बाद आप इसलिए यहाँ आए, और मैं सोच रही थी कि आप अपने भाई का शोक मनाने आ रहे। भाभी, ऐसा नहीं, तुमने पहले ही सोच रखा था कि इस घर को बेचना है और भाभी और उसकी बच्ची को बेघर करना है। भाभी, आप मुझे गलत समझ रही, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ, और वैसे भी इस प्रॉपर्टी पे जितना आपका अधिकार उतना ही मेरा। ये घर सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका बंटवारा किया जाए, ये घर हमारे परिवार का धरोहर है। इस घर से रूही के पापा की यादें जुड़ी हुई है, और ये यादें मैं रूही से छीन नहीं सकती। तुम जो चाहते हो वरुण, वो कभी नहीं हो सकता, एटलीस्ट मेरे जीते जी तो बिल्कुल ही नहीं। अगर तुम्हें इस घर को बेचना है तो मेरी लाश पर से गुजरकर इसका सौदा करना होगा। Thank you.
क्या हुआ भाभी? वहाँ बाहर कोई खड़ा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप इस कमरे में क्या कर रही हैं? यहाँ से कोई आवाजें आ रही थी, जैसे कुछ लोग धीमी धीमी से बातें कर रहे हो। भाभी इस घर में सिर्फ तीन लोग, आप और मैं यहाँ हैं और रूही नीचे कमरे में, तो ये धीमी धीमी आवाजें कहाँ से सुनाई दे रही हैं आपको? और ये सब चीजें सिर्फ आप ही को क्यों सुनाई देती? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? होता अगर ये सब चीजें मुझे भी दिखाई देती और मुझे भी सुनाई देती। खून सिर्फ आप ही को दिखाई देता है, हाथ सिर्फ आप ही का चलता है। आई थिंक यू नीड हेल्प, आपको किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। और वैसे भी इतने बड़े हादसे के बाद किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। सब समझ में आ गया, तुम मुझे पागल कर देना चाहते हो। जिस इरादे से तुम लंदन से यहाँ आए हो ना, वो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ इसीलिए तुम मुझे पागल कर देना चाहते हो, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। वरुण की वापसी इस घर में काफी सालों बाद हुई थी। क्या उसे उसके भाई की मौत के शोक ने वापस बुलाया था, या फिर इसके पीछे उसकी कोई और मंशा थी? जायदाद का लोभ अच्छे अच्छों की नीयत डगमगा देता है, और यहां तो वरुण को पैसों की सख्त जरूरत भी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अबला दिखने वाली भाभी बंटवारे की सोच पर ही इतना बवाल खड़ा कर देगी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, और जरूरतमंद को सही और गलत का फर्क अक्सर धुंधला नजर आता है। क्या अपने हिस्से की चाहत के लिए वरुण अपनी भाभी के साथ ये साजिश रच सकता था? तुम्हें अभी फुर्सत मिली? वकील साहब कब से आकर बैठे हैं? और तुम हो कि गायब हो? ऊपर क्या कर रहे थे तुम? वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए फोन करने टेरेस पे गया था। अंजलि जी, आपके पास वो नॉमिनेशन पेपर्स है ना? हाँ, वो ऊपर मेरे कमरे में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी। हुआ क्या अंजलि जी? ये शख्स मुझे पागल कर देना चाहता है वकील साहब, ताकि मैं किसी भी तरह अपने आप को खत्म कर दूं और पूरी जायदाद इसकी हो जाए। ये क्या बकवास कर रही हो भाभी आप? फिर कोई नई कहानी लेकर आई हो? अब किस बिना पे इन पे आरोप लगा रही हैं? चलिए मेरे साथ। ये देखिए वकील साहब, कहाँ है खून अंजलि जी? खून तो यही था। मेरा यकीन कीजिए वकील साहब, इस कबर्ड में सारे पेपर्स पर खून था। भाभी क्या बात कर रही हैं आप? इसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है, मैं इस घर में इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। ठीक है, आप पहले अपने आप को संभालिए अंजलि जी, और मिस्टर वरुण, जब तक ये प्रॉपर्टी का मामला सुलझ नहीं जाता, आप कहीं और जाके रहिए, यही सबके लिए ठीक होगा। लेकिन वकील साहब, आप आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। अच्छा हुआ तुम रूही को अपने साथ ले गई, उसके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जरा उसे फोन देना। हाय मम्मी। बेटा, नेहा आंटी को बिल्कुल तंग मत करना, ओके? मैं तुम्हें सैटरडे को लेने आऊंगी। ओके मम्मी। और कहीं अकेले जाना मत, मिली दीदी के साथ ही रहना। ओके मम्मी, बाय, लव यू। आई लव यू बेबी।
हाँ जी, मैं वत्सला कुंड डेक्कन जेपी रोड से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। मेरे घर में कोई घुस आया है और मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाइए। शांत हो जाइए। एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे उसका खून किया, वो मेरा बदला लेने आया है। आपने किसका खून किया और कौन आपको मारना चाहता है, मुझे साफ साफ बताएंगे आप?
मैंने अपने पति का खून कर दिया है। गरीबी में पली बड़ी थी, कोई भी चीज कभी काफी नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में वेद आया। ऐसे लग रहा था जैसे सारे अधूरे ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। वह मुझसे प्यार कर बैठा और उसका प्यार मेरी आजादी की टिकट बन गई। पैसों के मामलों में वेद ने मुझे कभी टोका नहीं और इसलिए दिन ब दिन मेरे खर्चे बढ़ने लगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ये खर्चे नहीं है तुम्हारे, तुम्हारी अय्याशी है। अंजलि, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ ये दौलत कमाने के लिए, पर तुम बिना सोचे समझे दोनों हाथों से पैसा उड़ा रही हो। प्लीज इस बार खाली भर दो, आई प्रॉमिस अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। अंजलि, ये सब तुम्हारे खर्चे हैं और अब ये खर्चे तुम ही भरोगी, मैं नहीं। लेकिन वेद, मैं कैसे? वेद सर, ये 5 करोड़ का इंश्योरेंस है। 5 करोड़? रवि, ये इंश्योरेंस के लिए रकम कुछ ज्यादा नहीं है? सर, ये टैक्स सेविंग स्कीम है, इंश्योरेंस का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन आपको मैच्योरिटी पे काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लाओ। मेरे सामने इतना पैसा था और मैं चंद रुपयों के लिए तरस गई थी। मेरे पीछे कर्जदारों की लाइन लग गई थी और वे थे जिन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें मारने का प्लान बनाया तो मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। सब जानते थे कि उन्हें डायबिटीज थी, इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर मैंने उनके खाने में दवाई का ओवरडोज डाल दिया, जिससे उनका शुगर लेवल तेज रफ्तार से नीचे गिर गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा प्लान इतनी आसानी से कामयाब होगा। गाड़ी चलाते वक्त वेद का एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। जब किसी को कोई शक नहीं था तुम पर, तो कत्ल के 3 महीने बाद ये इकबाले जुर्म क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मैं, अगर मैं अपना जुर्म कबूल नहीं करूं तो वो मुझे मार डालेगा। कौन? वेद। वो वापस आ गया है मुझसे बदला लेने। जब भैया मर चुके तो बदला लेने के लिए वापस कैसे आ सकते? तुम नहीं जानते, उस घर में ऐसी अजीब अजीब चीजें हो रही थी। जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसका जवाब मेरे पास है इंस्पेक्टर साहब। जब मुझे भैया की मौत के बारे में पता चला तो सुन के बहुत अजीब लगा। जब यहां वापस आया तो देखा कि कुछ दिनों से भाभी बहुत बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही, कुछ तो गड़बड़ थी। तो मुझे लगा हो ना हो जरूर कुछ ऐसा है जो भाभी हमसे छुपा रही। भाभी ने शोभा और प्रदीप को निकाल दिया था, उन्हीं की मदद से मैंने भाभी को छुआ। रूही, आपके बंद करने के बाद भी टीवी ऑन हो जाता था क्योंकि वो टाइमर पे सेट था। ये टीवी तो मैंने बंद किया था। आपने जो खिड़की पे साया देखा था वो प्रदीप का था, और जो आवाजें दूसरे कमरे से आ रही थी वो टेप रिकॉर्डर से आ रही थी जो प्रदीप के पास था। आप आज भी मेरे बारे में गलत सोच रही, वो मैं नहीं था। हाँ, ये बात सच है कि मैंने कई बार आपको डराकर सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन एक बार घर से निकल जाने के बाद
मेरे घर में वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। आखिर कौन था जो अंजलि को मारना चाहता है? यकीनन यही सवाल आपके मन में भी कौन रहा होगा, और मुमकिन है कि आपने इस सवाल के जवाब को किसी अलौकिक या रूहानी ताकत से जोड़ भी लिया होगा। लेकिन यहां हम ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हम इस तरह के किसी भी अंधविश्वास से जुड़े विचारों को ना तो बढ़ावा देना चाहते हैं और ना ही उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हो सकता है अंजलि को अपनी गिल्ट यानी अपराध बोध ऐसा महसूस करने पर मजबूर कर रहा हो, क्योंकि अंजलि ने उस शख्स का कत्ल किया था जो सिर्फ उसका पति ही नहीं था बल्कि उसका प्रेमी भी था और उससे बे इंतहा मोहब्बत करता था। ऐसे में अंजलि को अपना अपराध बोध कैसे नहीं होता? दौलत की लालच में आकर उसने अपने पति के साथ इतनी बड़ी साजिश रची थी, उसने अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ा था। इतनी शर्मनाक साजिश रचने वाली औरत भला चैन और सुकून से कैसे रह सकती है? जुर्म कई बार साजिश के पर्दों में इस कदर ढक जाता है कि गुनहगार का असली चेहरा सामने नहीं आ पाता, पर गुनाह ना तो कभी छिपा है और ना ही छिपेगा, उसका अंत तो तय है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।